यहाँ पे अपनी टीम के साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं अरुण से जिन नए लड़का आया हूँ इसके साथ बैठा हूँ, हैंडशेक करते ना, ठीक है। तो अभी हैंडशेक वाला कोरोना की वजह से गया, हैंडशेक वाली चीजें अब लेना भी मत, ठीक है। और जो अपने धर्म के प्रति भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, कुछ चीजें आप मतलब ऐसी कर लिया करो जो कि आगे चल के तुम्हें काम आएगी। जैसे कि सुबह से जब आप उठो, ठीक है, तो आप जो भी सारी एक्टिविटी करते हो, अगर उसके साथ में यहाँ पर थोड़ा सा नहा के अगर थोड़ी सी पूजा अगरबत्ती लगा देते हो, ठीक है, और थोड़ा सा घंटी वहाँ पर बजाते हो, ठीक है, तो आपका दिमाग खुल जाता है। ये चीज में भी देखा, चाहे जो साइंस को उसमें लेके चले जाओ, ठीक है, घंटी का बजना, पैर का फर्श को छूना, वो अगरबत्ती की खुशबू दिमाग में जाना और वो चंदन का टीका यहाँ पे लगना, ठीक है, जो बहुत सारे केंद्र बिंदु होते हैं जो आपका सुबह बहुत अच्छा कर देंगे और आपका बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। तो नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? उस्पेन नाम है। कहाँ के रहने वाले हो आप? अच्छा, कौन सा गाँव है? अच्छा, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर होगा? 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? फार्मर है। अच्छा, खेती बाड़ी अपने यहाँ अच्छा होता है? सबसे ज्यादा खेती किस चीज का होता है अपने यहाँ? अच्छा, अभी जैसे जो सीजन चल रहा है खेती के बारे में मुझे उतना ज्यादा मालूम नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो मैं बोल सकती हूँ कि तुम किसान के बेटे होने के बाद वाले मालूम नहीं है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी सीजन किस चीज का चल रहा होगा खेती का? अच्छा, पेपरमेंट वगैरह लगता है, तो पेपरमेंट क्या गेहूं से महंगा जाता है? अच्छा, आपको आता है जी सब कुछ काम करना? अच्छा, घर में कौन कौन है? और मम्मी पापा एंड सिस्टर भाई कितने हो आप? दो भाई हो, 3 सिस्टर है। बड़े सबसे आप ही हो या छोटे भी हैं? आपसे बड़ी सिस्टर है। शादी हो गया उनका? कहाँ शादी हुआ? अच्छा, जीजा जी क्या करते हैं? अच्छा, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छा यार, मतलब ठेका लेते हैं क्या? ठीक है, क्योंकि देखो मेरा एक आगे चल के एक सपना है घर बनाने का, ठीक है, अच्छा हुआ मेरा ऑफिस से मुलाकात हुआ, ठीक है, आगे चल के आप अगर मेरा 40x50 का 4 रूम हॉल किचन बात का अगर एक घर बनवाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब कमाने वाले फैमिली से हुआ, चलो बहुत अच्छा है। और पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है अभी? अभी 12th चल रहा है। नहीं, कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ सब्जेक्ट है। गजब, 10th में कितना परसेंटेज था? 85% है। और मैथ में कितना नंबर आया था? अच्छा, 80 के आसपास था, बहुत अच्छा यार, आप तो काफ़ी होशियार स्टूडेंट दिखते हो, चलो अच्छा है। और यहाँ पे कैसे आना हुआ, मतलब एडमिशन किसने कराया था आपका? स्टेडियम वगैरह बैठे थे, मॉडल स्कूल जाना पड़ता था। हाँ, स्टेडियम। अच्छा, स्ट्रेंजर थे वो भैया जिनका, क्या नाम है उनका? अच्छा, अरुण सर, उन्होंने आपका एडमिशन कराया? हाँ यार, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है यहाँ के, ठीक है, देखो उनके पास नॉलेज है, ठीक है, वो तो मैं एक चीज़ में मानता हूँ, बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन उनका जो एक इंसान के प्रति बोला जाए तो उदारवादी जो नज़रिया है, ठीक है, कि एक इंसान के साथ रिश्ता कितना अच्छा बना लेते हैं वो पता है। जैसे कि अगर मैं उनका बचपन का फ्रेंड होता तो मैं और भी चीज़ आपको बताते थे, मैं अभी उतना ज़्यादा उनसे नहीं जानता हूँ, मेरे तो सीनियर है वो, ठीक है, और तुम तो उनका दोस्त हो, उससे यहाँ पे आए हो, तो तुम 6-7 दिन से 8 दिन या 15 दिन से तुम्हारा जो भी दोस्ती होगा तो तुम्हें उनका नेचर पसंद आया होगा। काफ़ी लोग बागों का नेचर इस तरीके का नहीं होता, आज के दोस्ती यार तो ऐसा होते हैं कि अगर वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते तो वो बताते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो तो एक अजनबी इंसान है जो तुम्हें इस तरीके से बताया। चलो बहुत अच्छा, स्वागत है आपका इस सिस्टम में, ठीक है। और एक चीज़ और बताओ, मतलब आपको पर्सनल लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि आपकी हॉबीज़ क्या है? क्रिकेट वगैरह। क्रिकेट खेलते हो? ठीक है यार, इसके लिए तो मैं सेम पेज बोलना चाहूँगा, बिकॉज क्रिकेट इज़ फेवरेट गेम है मेरा, ठीक है। अच्छा, आपको बॉलिंग पसंद है या बैटिंग? बैटिंग। दोनों कर लेते, ऑलराउंडर हो, ठीक है, मतलब खेल लेती हो। तो अभी कब से क्रिकेट नहीं खेला? हाँ, लाइफ में थोड़ा सा बिजी, कैरियर को भी देखना पड़ता है, लेकिन खेल कूद भी जिंदगी के एक अहम हिस्सा होता है। चलो बहुत अच्छा लगा आपको उसमें तुमसे मिलके। एंड लाइफ में क्या करना चाहते हो? इंजीनियरिंग लाइन में। इसके लिए कोई कॉलेज वगैरह मतलब चुना या फिर कोई जगह चुना?
छतरपुर से करोगे कि बाहर से करोगे? फिर भी कुछ प्लान वगैरह तो चल रहा होगा कि छतरपुर से करोगे या बाहर से करोगे? बाहर जाके करोगे क्योंकि बाहर थोड़ा सा अलग फैसिलिटी मिलती है, माहौल बदल जाता है। सही, बचपन के दोस्तों के साथ ही अगर इंजीनियरिंग करने के लिए जाओगे तो कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो क्लास में होता है ना, जैसे कि अगर हर रोज आप एक ही दोस्त के साथ बार बार आके बैठ रहे हो, ठीक है, तो आपका सस्ता स्वभाव भी हो जाता है, ठीक है, और बर्तन भी कभी कभी खनक जाते हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। लेकिन अलग अलग नेचर वाले इंसान के साथ आप बैठते हो तो उसका एक्टिविटी पता चलता है, उसका नॉलेज पता चलता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। बहुत अच्छा, गाने वाने सुनने का शौक रखते हैं? अच्छा, घूमना उमना पसंद है? नहीं, घूमना पसंद नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा बाइक वाइक चलाना, सिनेमा मूवी वगैरह देखना, थोड़ा सा ऐसा कुछ चीज़ पसंद है? बाइक चलाना, बाइक चलाना पसंद है। कौन सा बाइक? कोई भी वाला, जैसे कि पल्सर कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, ठीक है, वो मेरा ड्रीम है इसलिए मैं आपसे बोला, ठीक है। चलो, तुमने तो अपना ओपिनियन दे दिया, ठीक है, पल्सर मुझे पसंद है। मैं सिस्टम में लास्ट, अभी मेरे को ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 20-25 दिन ही हुआ, तो आप मैं सेम ही है, बस मैं आपसे 20-25 दिन आगे आया, ठीक है। और मेरा यहाँ पर मैंने देखा कि जो लोग बाग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शनली कई चीज़ें रहती हैं, जैसे कि मैंने एजुकेशन से एडमिशन लिया था कि आगे चल के प्लेसमेंट लूँगा, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेरा प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, ठीक है, तो मुझे ज़रूरत है कैसे एजुकेशन का जो कि आगे चल के मुझे प्लेसमेंट के लिए भटकाए ना, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में देखो, भले ही अपने पास पैसा है लेकिन घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा है, दूसरा चीज़ है घर में और लोग बाग भी हैं, और हमारा जो पढ़ा लिखा हुआ, मैं 10th क्लास का जो फीस दिया करता था वो दिया करता था लगभग वही 300 रुपये, लेकिन आपने दिए होंगे 500 रुपये। आगे चल के मेरा छोटा भाई जब 10th क्लास का ट्यूशन पढ़ेगा तो उसे देना पड़ेगा कम से कम 800 रुपये, तो महंगाई तो होगा, यानी जितने में मेरा 10th क्लास हो गया मेरे भाई बहन का उससे ज़्यादा में होगा। तो मैं नहीं चाहता कि पापा के ऊपर आगे चल के मैं बोझ बनूँ। इंजीनियरिंग का फीस तो वो भरते जाएंगे, वो मैं जानता हूँ, ठीक है, उसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं जब आप बाहर रहते हो, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कहीं जाके अपना टाइम इधर उधर देना पड़े, 3-4 घंटा देखे जॉब वॉब कहीं पर जाके करने लगे। इससे अच्छा है कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पर, तुम्हें एक चीज़ बताई गई होगी जब आप इस प्रोजेक्ट को समझे होंगे कि स्टडी विथ इनकम होता है, तो स्टडी विथ इनकम मुझे अभी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सुन के बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे लोग बागों को देखा, कई लोगों को वीडियोज़ देखे मैंने मार्केट में, कई लोग बागों को वीडियोज़ देखे कि जो लोग यहाँ पर मतलब स्टडी विथ इनकम कर पा रहे हैं और लाइफ स्टाइल जी पा रहे हैं। तो मेरा एक सपना हुआ करता था कि जब भी मैं कॉलेज जाऊंगा खुद की बाइक से जाऊंगा। आपका फैमिली तो आपको सपोर्ट करते हैं, क्या पता आपको बाइक मिल जाए, ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसा चीज़ चाहता हूं कि अपना पढ़ाई, ठीक है, जो रहेगा वो पिताजी वगैरह करेगा, लेकिन उधर का बाइक का एंड लाइफ स्टाइल मुझे थोड़ा सा घूमना पसंद है, गोवा मनाली जैसा मुझे जगह पसंद है, सिनेमा घर थोड़ा सा देखना पसंद। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ की आदत है कि मैं उन्हीं चीज़ों में घुसा रहूँ, लेकिन समाज सोसाइटी में दोस्ती यारियों में थोड़ा सा अपने आप को बनाए रखने के लिए हर चीज़ का नॉलेज का जरूरत पड़ता कि नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसा चीज़ मुझे पसंद है जिसके लिए मैं यहाँ पर ड्रीम बनाया, और अनंत भैया ने ही मेरा ड्रीम बनाया, आपके दो मित्र हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके, ठीक है। तो आज आज आपका फर्स्ट डे है, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा जो आपकी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगी, और अल्लाह की पर्सन की वो चीज़ें आपको अभी ही सीखने को मिल रही है 6-7-10 दिन में। नहीं तो मेरा एडमिशन जब हुआ था तो उसके काफ़ी दिन तक मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं जिस पर्सन ने मेरा एडमिशन कराया था वो उतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं था, लेकिन अपन इंजीनियर लोग आगे अपन को तो पता है सारी चीज़ करना है, ठीक है। आप तो अरुण भाई सबके थ्रू आए हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपका तो वैल्यू अलग ही होगा। फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको डिस्कशन करूँगा जो कि आपको आगे चल के यहाँ पे काम आएगी, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये भी जजमेंट मत करना कि मुझे बहुत अच्छे से आती होंगी, ये भी जजमेंट मत करने के लिए जाना कि मेरा स्पेलिंग सही नहीं है या ऐसा सही नहीं है, क्योंकि जब हम समझदार व्यक्ति होते हैं, ठीक है, क्लास का टॉपर कभी स्पेलिंग को नहीं देखता, ठीक है, इंजीनियर का मेंटलिटी आपका है तो कभी स्पेलिंग को देखने के लिए नहीं जाओगे, ठीक है। हम वो लोग होते हैं जो एक इंसान के कंटेंट को देखकर उसके बारे में राय रखना स्टार्टिंग करते हैं, ना कि उसकी चुलबुल वाली चीज़ों को देख के। आप रेडी हो? ठीक है, आप एक चीज़ करना है कि 2-4-10 मिनट के लिए जब भी जितना भी मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ आपको थोड़ा सा सीरियस होकर यहाँ पर बैठना है। आपको ये भी चीज़ देखना है कि अगर आपका मेरा सेम नॉलेज है, मैं आपके एज में या क्वालिफिकेशन में आगे बढ़ा या छोटा हो सकता हूँ, तो आपको ये चीज़ नहीं देखना है, एक फ्रेंड की तरह समझने की कोशिश करना है। अगर आप
मुझे थोड़ा सा अपना 10 मिनट के लिए ग्रुप बना लेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से मैं सिखा पाऊँ और आपको भी समझ में आएगा। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप यहीं बैठे हो, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, जब हम नेटवर्किंग बिजनेस में जाते हैं, ठीक है, तो कई चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, कई चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं, बहुत सारा लोग बाग हमें मार्केट में मिलता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमें पता चलती है तो हम मार्केट में लोग बागों को देने के लिए जाते हैं, यस ये और कोई भी डिस्कशन करने के लिए जाते जाते नहीं जाते, यस। तो सेम जब मैं इस बिजनेस में आया, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला, तो दरअसल मेरा क्या है ना, मुझे सीखने की बहुत ज़्यादा चाहत है और किसी भी चीज़ को जल्दी जानने की चाहत और भी ज़्यादा है। ये चीज़ आपके अंदर भी होगा, क्योंकि मैथ साइंस से आप भी हो, मैथ साइंस से मैं भी हूँ, हमारे अंदर कई चीज़ों का पेशेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, हमें नया ज्ञान खाने की थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप एक बिजनेस स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना पड़ता है। तो मैं इस चीज़ आपको शुरुआत में बता देता हूँ कि आप यहाँ पे आए हो, आपने एडमिशन लिया, इस चीज़ को थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पर और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ कोई भी चीज़ हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम परीक्षा में पास हो जाएं, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ हम इसलिए सीखते हैं कि आगे चल के वो ज़िंदगी में आपके काम आएगा। मैं जो चार चीज़ें आपको बताने के लिए जाऊँगा, वो चार चीज़ें आपको मार्केट में प्रैक्टिकली मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप रेडी है, इन्हें बोला जाता है इस बिजनेस में 4B। क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है 4B, ठीक है। 4B में पहला चीज आता है और वो होता है बिलीव इन योर सेल्फ। क्या बोला मैं? बिलीव इन योर सेल्फ। जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हो, आप तो उसमें आपको खुद के ऊपर भरोसा है, खुद के ऊपर भरोसा है, यस मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा। आप कोई टेस्ट निकाल के जाते हो तो उसमें भी आपके ऊपर खुद के ऊपर भरोसा होता है, यस मैं टेस्ट पास कर लूँगा, ठीक है। आप ज़िंदगी में जो भी काम करने के लिए गए, आप साइकिल चलाने के लिए गए, आप बाइक चलाने के लिए गए, या फिर आपने हैंड राइटिंग भी अपनी सही की, ठीक है, उसमें आपको खुद के ऊपर भरोसा था कि नहीं था, ठीक है। तो मान लेते हैं जब आप इस जगह पे एडमिशन लिया, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें डिस्कशन की गई है, आप मार्केट में आप जाओगे, कई फ्रेंड सर्कल से आप मुलाकात करोगे, बात करोगे, तो कई लोग बात इस तरीके का भी आपको मिलेगा, ठीक है, जो आपका भला भी चाहता है और भला नहीं चाहता है। कौन सी क्लास का पर्सन आपके बारे में और कौन सा देश का, कौन सा रिश्तेदार का भाई बहन आपके बारे में ये सोचता है कि आप उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो? नहीं हो। हर कोई आपके सामने आता है और अपने आप को आपके सामने बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। मान लेते हैं आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, ठीक है, आपने तो सही डिसीजन लिया आपको लगता है, क्योंकि कई लोग बागों को सैमसंग मोबाइल पसंद होता है और कई लोग बागों को कुछ और पसंद होता है, यस ये नो, यस। तो आपने जिस सेल्फ बिलीव करके यहाँ पे एडमिशन लिया, हो सकता है 2-4-5 दिन बाद जब आप लोगों से मुलाकात करो तो कई लोग बाग ऐसा भी मिलेगा आपको जो आपका बिलीव को घटाने की कोशिश भी करेगा, जो आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि यार फालतू में तुमने वहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ कुछ नहीं होना, इससे अच्छा तो तुम ये कर लेते, फालतू में तुमने सैमसंग का मोबाइल लिया, इससे अच्छा है कि तुम उसका ले लेते MI का, यस यू नो। तो आप जो भी काम करने के लिए जाते हो, आपने साइकिल सीखी, तैरना सीखा, बाइक चलाना सीखा, इंजीनियरिंग करने के लिए जाओगे तो आप खुद का डिसीजन है कि नहीं, और ये आप क्यों कर पाए हो, क्यों आप बाइक स्कूटी ये सब कुछ चला पाए हो, उसका सबसे बड़ा कारण है और वो है आपको खुद पे भरोसा था। आप जिंदगी में जो भी बनेंगे खुद के ऊपर भरोसा करके बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, तब तक कोई भी इंसान आपको परास्त नहीं कर सकता है जब तक आपको खुद पे भरोसा है। लक्ष्मण जी को खुद पे भरोसा था, मेघनाथ को हराया, भगवान राम को खुद पे भरोसा था इसलिए मेघनाथ हरा, आपके पिताजी के ऊपर पिताजी को खुद पे भरोसा था इसलिए अपना परिवार और बाकी लोग बागों को आसपास जोड़ के चले, इतना बड़ा खेती कर लिया, ऐसे लोग। तो बिलीव इन योर सेल्फ, आपको इस बिजनेस में, ठीक है, जब आप यहाँ पर रहेंगे तो पहला पॉइंट आपको लेके चलना है कि आपको बहुत सारे लोग बाग मिलेंगे ये बोलने वाले कि आप नहीं कर पाओगे। कई बार आपका जब काम आगे होगा तो कई बार आपको भी लगेगा
मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक बात याद रख लेना, इस पॉइंट को अपने जहन में उतार लेना, और वो है बिलीव इन योरसेल्फ। खुद के ऊपर आपको भरोसा करना है, चाहे रिजल्ट निकले चाहे ना निकले। आज नहीं निकल रहे, कल निकलेंगे, कल ही निकल रहे, परसों निकलेंगे, क्योंकि सचिन एक दिन में सचिन नहीं बना होगा। सचिन ने आज इतना बड़ा नाम कमाने के लिए कम से कम हर दिन वही टाइम वही समय पे जाके अपना कई बार प्रैक्टिस किया होगा, कई बैट टूटे होंगे, इसके बाद उसका सेंचुरी आया होगा। यस ये लोग, यस। तो यहाँ पर आपको अपना हमेशा हर स्थिति परिस्थिति में बिलीव बना के रखना है। दूसरा चीज है यहाँ पर बिलीव इन एक्टर सीनियर। क्या बोला मैं? बिलीव इन एक्टर सीनियर। आपको क्या करना है, देखिए जब भी हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो एक गाइड करने वाले पर्सन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मान लेते हैं आप यहाँ तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं आपका इसमें पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। बिना हम किसी के डायरेक्शन की जिंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ तो जाएंगे, लेकिन जिंदगी में कई सारा समय हमारा खराब हो जाएगा। यस यू नो, क्या आप चाहते हैं कि अब आपकी जिंदगी में जो समय बचा हुआ है वो खराब हो जाए? नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते है ऐसा। क्यों? एक्सपीरियंस लेने के लिए जाओगे तो समय खराब हो जाएगा, और पहले से एक्सपीरियंस वाला सीनियर मिल रहा है, क्या दिक्कत है? मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक पर्सन के बारे में सुना होगा, उनका नाम था, बहुत अच्छा नाम था, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। अब हर कोई स्वामी विवेकानंद बनने के लिए जाएगा क्या? उनको क्वेश्चन मिलते थे, वो देखते थे जीवन जाएगा, जीवन जाएगा, जीवन जाएगा, इसके बाद जो नहीं बनता था उसमें वो लगे रहते थे, खुद ही एक्सपेरिमेंट करके उनका हल लेके आते थे। तो क्या आज की डेट में आप स्वामी विवेकानंद बनने की कोशिश करेंगे, या स्वामी विवेकानंद जो पहले से बन चुका है, एक्सपीरियंस जिसके पास है, उस इंसान के साथ में रहकर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ना पसंद करोगे? तो हर किसी जगह पर एक सीनियर, एक गाइड करने वाले पर्सन की आवश्यकता पड़ती है। मान लेते हैं आप इंजीनियरिंग आगे चल के करना चाहते हो तो वहां पर आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके माता पिता की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और गुरु को भगवान से भी बड़ा उपाधि दिया गया है। आपने वो कहानी तो सुन रखी होगी कि जब भगवान कार्तिकेय और गणेश जी का एक रेस होता है तो गणेश जी का जो वाहन था वो था चूहा, और कार्तिकेय जी का जो वाहन था वो था एक मोर। यस यू नो, तो कार्तिकेय जी तो पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाते हैं और जल्दी से अपना उनको माता पिता को मिल लेते, यस यू नो, ज्यादा बुद्धिमान कहलाते। लेकिन गणेश जी के पास अच्छा बुद्धि था, नेतृत्व उनका बचपन से अच्छा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, अपना माता पिता का चक्कर लगा के उनके सामने खड़े हो गए, और अब मेरे लिए तो आप ही माता पिता। बात समझ में आ रही? तो सीधा सीधा मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको एक गुरु का आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन चाहे जितना ही बड़ा धनुर्धारी क्यों नहीं था, ठीक है, अगर भगवान श्री कृष्ण न होते तो क्या वो युद्ध जीत पाते, ठीक है। आज में देखा जाए अर्जुन का फिर भी नाम क्यों नहीं है, और आज अर्जुन से ज्यादा हनुमान जी को लोग क्यों मानता है, क्योंकि हनुमान जी के बारे में एक चीज बोला जाता है कि जैसा भगवान बोला करते थे भगवान श्री राम, अर्जुन वो सॉरी हनुमान जी वैसे किया करते थे, कभी अपना दिमाग नहीं लगाया और कभी किसी चीज के लिए एक्सक्यूज नहीं दिया। तो गाइड करने वाले पर्सन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बस एक चीज होता है कि जैसा वो बोलते जा रहे वैसा आपको करने का जरूरत है, और तब जिंदगी में आप कामयाब बन पाओगे, जब आप अपने सीनियर के ऊपर विश्वास करोगे। विश्वास कैसा होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। जिंदगी कैसी है, एक घर में दो लोग रहते हैं, एक अंधा है और एक लंगड़ा, ठीक है। अचानक क्या हो जाती है, एक दिन उस घर में आग लग जाती है, आग लग जाती है तो दोनों तो मर जाएंगे, क्योंकि एक को दिखता नहीं, और जिसे दिखता है वो भाग नहीं पाएगा। तो दोनों एक दूसरे के पास गए, ठीक है, और उन्होंने बोला, सुन लंगड़े, बोला हाँ भाई अंधे, कम्युनिकेशन उनका ऐसे ही था, बोला क्या करें, बोला दोनों मारे जाएंगे, बोला करना क्या फिर, बोला करना ये है कि तेरे पास पैर नहीं है, मेरे पास आंखें नहीं है, आ तू मुझे ऊपर बैठ जा, तू डायरेक्शन दे, मैं भागता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैर है तेरे पास आंखें हैं। और उन्होंने ऐसी कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ बिठा ला और दोनों बच गए। समझ में आ रहा है? तो कई बार आपको क्या करना पड़ता है, अपना सीनियर के साथ इस प्रकार का रिलेशन बना के चलना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है कि गुरु मिलेगा आपको जिसके साथ में आप बिजनेस करोगे। और कुछ किस्मत है आपकी कि कई लोग बागों को गुरु को ढूंढना पड़ता है, आपके सर तो ऑलरेडी यहाँ के बहुत बड़े गुरु है, ठीक है, ये चीज मैं आपके लिए बधाई दे देता हूँ। तीसरा चीज है
बिलीव इन योर सिस्टम। कई बार क्या होता है, हमें सिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। बात समझ में आ रही? मान लेते आप इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप इंजीनियरिंग करने के लिए जाओगे, अगर उस सिस्टम के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं रहेगा तो क्या जीवन में आप कामयाब हो पाओगे, क्या जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। आपको क्या करना है, आपने सिस्टम में एडमिशन लिया, इस सिस्टम में यहाँ पर जिसका नाम है APLL, ठीक है, स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू का अलग बहुत प्रोसेस है, उसका अलग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री एक ही है, अब रिलायंस इंश्योरेंस आगे आ गया तो रिलायंस इंश्योरेंस कराएगा या फिर रिलायंस कुछ और करेगा, सही बोल? अलग अलग डिपार्टमेंट है। स्मार्ट वैल्यू जिसका अलग डिपार्टमेंट है, APLL जिसका एजुकेशन डिपार्टमेंट है। बिलीव इन योर सिस्टम, मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, अब हो सकता है मार्केट में कई ऐसे लोग बाग मिले, ठीक है, जो इस सिस्टम को पहले से जानते हो लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं है, जो इस सिस्टम को पहले से जानते हो लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं है। इसके लिए मान लेते हैं कि ये कहानी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक जगह क्या था, एक घर था, बात समझ में आ रही, एक मकान था, उसमें रहने के लिए कुछ बंदर गए, ऊपर एक टंकी था, बंदर को ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अभी क्या हुआ, कुछ बंदर उस मकान के अंदर गए, एक दो बंदर उस टंकी के ऊपर जाने लगे तो उससे ठंडा पानी मिला, तो बहुत सारे बंदर ठंड के मारे कांपने लगे, और वो जो बंदरों की वजह से उन बाकी बंदरों के ऊपर पानी गिरा था, उन्हें पकड़ के उनमें दो चार मारे और फिर कहीं अंदर घर के घुसाया। अब क्या हुआ, वो बंदर तो चले गए वहाँ से, वो पुराने हो गए, नए बंदर फिर से आए, ठीक है। तो नए बंदर आए तो उन्होंने क्या किया, जो पुराने बंदर थे उनमें सोटाई मारी, क्यों सोटाई मारी पता नहीं। अब वो चले गए, जे पुराने हो गए, नए फिर से आए तो इनने उनमें सोटाई मारी। अब ये प्रथा आगे चल के बढ़ गई, ठीक है, और लोग बाग ने इस चीज को इस तरीके से मान लिया कि ऐसा ये होता है। बल्कि जब फर्स्ट टाइम हुआ था वो ठंडे पानी की वजह से हुआ था, लोग बाग ने बाद में इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो वही प्रकार है कि आज के डेट में आप मार्केट में जाओगे, कई कंपनियां मार्केट में आती हैं जो कंपनी होने का दावा करती हैं। कई लोग बाग पुरुष तो हैं लेकिन उनके पास पुरुष जैसे गुण नहीं है, कई लोग बाग महिलाएं तो हैं लेकिन महिलाओं जैसे गुण नहीं है। महिला के रूप में दैन लक्ष्मी भी होती है और पुरुष के रूप में दानव भी होते हैं, यस या नो? तो कई बार सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग बाग इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखे हैं लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज देखा कि कुछ लोग बागों ने कई साल पहले किया था, वो फेल हो गए, तो बाकी चार साल बाद के जितने भी लोग बाग हैं वो भी क्या बोलेंगे, ये सिस्टम खराब है। तो ऐसे लोगों से अगर आपका मुलाकात होता है तो उनसे एक चीज पूछना, आपने जो सब्जी खाई है, ठीक है, तो आपने खा के सब्जी का टेस्ट बता रहे हो या बिना खाए सब्जी में ऐसी चिल्ला रहे हो कि इसमें मिर्चा है मिर्चा है मिर्चा है मिर्चा है, ऐसा तो नहीं है। तो आपको एक चीज का भी याद रख लेना। दूसरा चीज ऐसा भी रहेगा, कुछ लोग आपको इस तरीके का भी मिल सकता है जो किसी और अदर सिस्टम में एडमिशन ले चुके हो पर सेम प्रोसेस बोल रहे हो। हम मान लेते हैं ये हर किसी का हाथ होता है, हर किसी का हाथ होता है और हर किसी के हाथ में पांच फिंगर होती है, एक अंगूठा और चार उंगलियां होती है, ऐसे लोग, और हर कोई डायलॉग मारता है कि हाथों की चारों उंगलियां बराबर नहीं होती है। तो हाथों की जब चारों उंगलियां बराबर नहीं होती है, सबके पास उंगलियां पाई जाती है, हर किसी के पास हाथों की उंगलियां बराबर नहीं होती लेकिन फिंगरप्रिंट हर किसी के अलग ही होती है, ऐसे लोग। तो भली कंपनी कंपनी है, भली सिस्टम सिस्टम उनका एक जैसा हो लेकिन फिंगरप्रिंट अलग है। आज स्मार्ट वैल्यू यहाँ पर है, 10 साल से सिस्टम में चल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि भली हाथों की पांच उंगलियां सबकी एक जैसी ही है और सबकी एक जैसी ही होती है लेकिन फिंगरप्रिंट हर किसी के अलग अलग ही होते हैं। तो आपने इस सिस्टम में एडमिशन लिया तो आगे चल के कुछ लोग बाग अगर आपको किसी भी प्रकार की सिस्टम के प्रति डिस्कशन करते हैं या यहाँ के सीनियर लोग बागों के प्रति डिस्कशन करते हैं तो आपको हर परिस्थिति स्थिति में एक चीज याद रखना है कि बिलीव इन सिस्टम, और जैसा भरोसा आप अपने माता पिता के ऊपर करते हैं वैसा भरोसा आपको सिस्टम के ऊपर करना पड़ेगा। बचपन से आपको एक चीज बताया गया कि आपके माता है पापा है और ये आपके माता है, बताया गया नहीं बताया गया, आजकल डिसबिलीव हुआ नहीं हुआ, वैसी सिस्टम के ऊपर आपको भरोसा करने का जरूरत है। चौथा चीज है और वो है बिलीव इन गॉड। अब इसमें मैं योर गॉड नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ये योर गॉड बोल दिया तो उसमें दुनियादारी हो जाएगी, इससे अच्छा है
कि भगवान के ऊपर भी आपको भरोसा करना है। कई बार क्या हो जाता है जिंदगी में, कई ऐसी स्थिति परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जिसमें एक इंसान लाचार हो जाता है। प्रेजेंट टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है, क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है। प्रेजेंट टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है तो कई जगह पे लोग बहुत लाचार हो चुके हैं। ठीक है, इस वर्ल्ड में जो अपने आप को महाशक्ति या शक्ति माना सकते थे वो लोग भी आज इसके सामने नतमस्तक हो चुके हैं। तो कई चीजें वक्त और भगवान पर भी छोड़ दी जाती है। ठीक है, लोग बाग होता है भगवान होता नहीं है, नहीं होता है या होता है, मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहूंगा। बस इतना तो है कि अगर आत्मा है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो आत्मा है, अगर जीव है तो कोई जीव डालने वाला भी है। यस या नो? यस। ठीक है, तो बिलीव इन गॉड। अब भगवान के ऊपर आपको डायरेक्ट भरोसा नहीं हुआ। ठीक है, भगवान के ऊपर धीरे धीरे भरोसा हुआ कि नहीं हुआ? जब आपने घर में 4 लोगों को देखा, बाहर और 50 लोगों को देखा, आगे 1000 लोगों को देखा, या कहीं 2 लाख और लोग बागों को देखा, पर ज्यो ज्यो आप बड़े होते गए त्यो त्यो आपको भगवान का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे समझ में आता गया। यस या नो? यस। वैसे ही आपको ज्यो ज्यो इस सिस्टम में आप इन्वॉल्व होते जाओगे, ज्यो ज्यो इस सिस्टम में आपका टाइम बीतेगा त्यों तो आपको सिस्टम के ऊपर, सीनियर के ऊपर और खुद के ऊपर भरोसा होता जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम साइकिल को देखे थे तो क्या ये बिलीव था कि चला लोगे? नहीं, उतना ज्यादा बिलीव नहीं था, कहीं ना कहीं मन में शंका थी। और जब शंका 2-4 बार इधर से उधर करना सीख गए तब आपको और वो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो धीरे धीरे जब इस सिस्टम में आप विश्वास करोगे, एनवायरमेंट में रहोगे, जब यहाँ पर आओगे हमारे साथ बैठोगे तो आपको और भी ज्यादा विश्वास होता जाएगा। तो ये 4 चीजें थी उस पेन जो आपको ये लिख के चलनी है और ऐसे सीखना है कि आगे चल के अगर कोई भी पर्सन आपको मुलाकात करता है, जैसे कि आज आप मेरे लिए हो, आगे चल के ऐसा कोई लड़का आ जाता है तो आप उससे भी सिखा सको। और ये आपका बहुत अच्छा मौका होगा कि 8-10 दिन में आपको किसी को ये चीज बताने का मौका या सिखाने का मौका मिल जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग से पहले यहाँ पर ट्रायल भी हो सकता है। ऐसे लोग तो चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मुझे थोड़ा सा काम है, आपसे बाद में मुलाकात करता हूँ। इन चीजों को आप एक बार देखना चाहते हो देख लो, कॉपी में आपको देता हूँ, पर अगर इसको लिख के ले जाना चाहते हो तो लिख लेना। जहाँ समझ में आए तो आपका आनंद, तो आपका दोस्ती है समझ लेना। ठीक है, थैंक यू।